हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 18 फरवरी लेटेस्ट अपडेट के साथ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड रिजल्ट 2018 के बारे में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एसआरपी एजुकेशन पर। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड रिजल्ट 2018 फरवरी में जारी नहीं होगा परिणाम। सचिन पायलट भी अभ्यर्थियों को दे गए लॉलीपॉप। अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती ने कहा कि मार्च तक आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा। सॉरी, नियुक्ति पत्र नहीं, उनका कहना था कि आपके हाथों में कटोरा होगा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 रिजल्ट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आज की ताज़ा खबर देख लेते हैं। इनसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फरवरी में जारी नहीं होगा परिणाम। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 फाइनल रिजल्ट फरवरी में जारी नहीं होगा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं का धरना प्रदर्शन है, वो लगातार 13-14 दिन हो गए हैं आरपीएससी के सामने, लेकिन अभी तक न तो किसी आरपीएससी अधिकारी ने उनसे मुलाकात की है और न ही कोई जानकारी ली है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम राजस्थान के जो है, उनको भी पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है और प्रोविजनल लिस्ट जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। सचिन पायलट से जुड़ी हुई खबर, आरपीसी सेकेंड ग्रेड 2018 रिजल्ट से जुड़ी हुई खबर देख लेते हैं। बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देख करके रुके डिप्टी सीएम पायलट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल अजमेर आए थे, बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखा और डिप्टी सीएम पायलट वहां रुके। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग। पायलट ने जयपुर में कमेटी के समक्ष मामला रखने का दिया आश्वासन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों से मिलने के लिए सोमवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रुके और उनकी समस्याएं जानी। पायलट ने उनकी मांग पर जयपुर में कमेटी के समक्ष बात रखने का आश्वासन दिया। ये बेरोजगार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम पायलट अजमेर से जयपुर जाते समय गुगरा घाटी पर जब वन विभाग की नर्सरी के पास पहुंचे तो सामने देखा कि बड़ी संख्या में बेरोजगार हाथों में तख्तियां लेकर के डिवाइडर पर चारों तरफ खड़े थे, सरकारी विरोधी नारे लगा रहे थे। पायलट के कारकेड में शामिल पुलिस जीप आगे निकल गई थी, लेकिन पायलट ने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी साइड में रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकते ही प्रदर्शनकारियों ने पायलट के समक्ष परिणाम में हो रही देरी का मामला उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पायलट से कहा कि 13 दिन से वे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आयोग के अधिकारी उनसे मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने आयोग अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती के नहीं मिलने की भी शिकायत की। नौ हजार पदों के विरुद्ध 20,000 अभ्यर्थियों को किया पास। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बेरोजगारों से पूछा कि आपका परिणाम तो जारी हो चुका है। इस पर अभ्यर्थियों ने उन्हें समझाया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस बार नया प्रयोग किया है कि 9,000 पदों के लिए 20,000 अभ्यर्थियों को पास किया है, यानी कि पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया है, अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। 9,000 पदों के लिए 20,000 अभ्यर्थियों को पास किया, इसके बाद काउंसलिंग कराए हुए भी 1.5 महीना यानी कि 2 महीना का समय बीत चुका है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। इन 20,000 अभ्यर्थियों में से किसका सिलेक्शन हुआ है ये अंतिम परिणाम से ही पता लग सकेगा। परिणाम जारी करने में हो रही देरी के इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने जयपुर में कमेटी के समक्ष मामला रखने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कोई इसका परिणाम निकलने वाला नहीं है। बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देख करके रुके डिप्टी सीएम पायलट। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग। पायलट ने जयपुर में कमेटी के समक्ष मामला रखने का दिया आश्वासन। धन्यवाद दोस्तों। हर किसी खबर में हम यही देखते हैं कि आ जाएगा इन विषयों का रिजल्ट, आ जाएगा इन विषयों का रिजल्ट,
लेकिन कोई सी वीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अपने मन को दिलासा दे रहे हैं केवल। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।